मुलाजमीन इतादे मुलाजमीन दुनिया भर के मेहनत कशो दुनिया भर के मेहनत कशो हम क्या चाहते हैं साफ के आगे झुकना पड़ेगा। टेलीविजन को परमानेंट करो परमानेंट करो परमानेंट करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी। टेलीविजन को पक्का करो पक्का करो पक्का करो हम क्या चाहते हैं इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ये टेलीविजन का मसला है, जब तक तो हमारा मसला ये हल नहीं होगा तो तब तक हमारी स्ट्राइक क्लोज नहीं होगी। पहले भी हमें जो सरकारों ने धोखे पर धोखा देती रही, दिन वार डेट बताती रही, भाई आज हो जाएगा कल है, तो उसमें जो है हमारा कुछ होने वाला कोई हमें कोई दिखता नहीं है। अगर हमें परमानेंट पॉलिसी हमें मिलेगी नहीं, बाकी चार पांच मसले हैं, अगर ये इनका जो गवर्नर साहब अगर इनका आर्डर नहीं करेंगे या हमारा परमानेंट आर्डर पॉलिसी नहीं मिलेगी अगर तो तब तक हम तो क्लोज नहीं करेंगे, स्ट्राइक तो क्लोज नहीं करेंगे। ऑर्डर मिलेगा तो अब इसके बाद हम महीने के बाद हम ज्वाइन करेंगे तनख्वाह लेकर। हम इस वक्त जो ये स्ट्राइक है ये कोई नॉर्मल स्थिति पर नहीं है। कमिश्नर साहब मिले, उन्होंने बुलाया कल टेबल टॉक हमारे प्रेसिडेंट को, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट को बुलाया, उससे बात की उन्होंने कल, कहने लगा कि भाई बात है कि आप 4 महीने का रेंट ले लो तो स्ट्राइक को क्लोज कर लो। तो उन्होंने जवाब दिया भाई ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ करने वाली बात ही नहीं है, जब तक इनको पूरी जो पांच बातों की डिमांड है जब तक ये पूरी नहीं होगी और 1 महीना हम देखेंगे, डिमांड पूरी हो भी जाएगी उसके बाद हमें पूरा रेंट मिलेगा, पूरा रेंट लेकर हम ज्वाइन करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेलीविजर के नाते होने से आपसे चंद मसाइल हैं हमारे, जो हमारे मसाइल हल होना चाहिए। 94 से लेकर इस वक्त तक हमारा डेलीविजर इलाका जात में काम कर रहा है और जो हुकूमतें आई उन्होंने हमसे धोखा किया, तो उस लिहाज से हमारी 5 साल की जो वेजेस बकाया है हम चाहते हैं कि वो हमारा मसला फौरी हल किया जाए, क्योंकि हम गरीब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। वक्त गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे 5 साल की वेजेस जो है बकाया दी जाए और हमें बजट में लाया जाए। और यूटी क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में यहाँ जम्मू कश्मीर में कहते हैं यूटी, तो हमें भी वो 18,300 रुपया पर मंथ दिया जाए और हमें माहवार मिलना चाहिए। इस लिहाज से हमें बजट में ज़रूर लाना चाहिए। वक्त गवर्नमेंट से हम ये इल्तजा करते हैं और उम्मीद भी है हमें वक्त गवर्नर जो नए आए हैं हमारा काम करेंगे। अगर हमारा काम ना हुआ तो हमारे ऐसे भी हालात बन चुके हैं कि हम खुदकशी करने के लिए तैयार हो चुके हैं हमारे इलाका जात। ये डेलीविजन कम से कम मैं आपके सामने एक बात ज़रूर कहूँगा कि 80% ऑल स्टेट में हमारा डेलीविजन काम करता है और 20% परमानेंट है, तो उस लिहाज से भी डेलीविजन की गवर्नमेंट को ज़रूरत है हमारे साथ क्यों बेइंसाफी करें। बार बार हम धरने पर